गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टेकोमा की प्लांट केयर के बारे में। ये जो आप मेरे सामने प्लांट देख रहे हैं इसको टेकोमा कहते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे, इसकी टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही रेगुलरली प्लांट अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, कई प्लांट्स के बारे में मैंने ऐसे बात करी है जो काफ़ी हार्डी प्लांट्स होते हैं, और जो बिगनर गार्डनर्स हैं, जो गार्डनिंग में जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, उन प्लांट्स के ज़रिए काफ़ी कुछ गार्डनिंग के बारे में सीख सकते हैं। तो टेकोमा एक ऐसा ही प्लांट है जिसके बारे में आप गार्डनिंग जिसको जिसके थ्रू आप गार्डनिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बड़ा ही हार्डी प्लांट है, और बड़ी हार्श कंडीशंस के अंदर भी ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेता है। ये वाली जो मेरे पास वेराइटी है टेकोमा की, ये एक वाइन की तरह ग्रो करती है, बेल बनती है इसकी। ये देखिए, इसकी एक बेल बनती है। एक दूसरी वेराइटी है जो एक बुश के फॉर्म में ग्रो करता है, श्रब बनता है उसका। उसमें ऑरेंज कलर के बड़े ही ब्राइट फूल आते हैं, बड़े फ्लैशी फूल आते हैं, और इसमें जो है इसमें येलो कलर के फूल आएंगे जब ये थोड़ा मेच्योर हो जाएगा। अभी तो ये थोड़ा यंग है प्लांट, जब ये थोड़ा मेच्योर हो जाएगा तो इसमें फ्लावरिंग भी होगी। फिर मैं एक और अपडेट बनाऊंगा इसकी फ्लावरिंग के बारे में। तो लो मेंटेनेंस प्लांट होने के बावजूद इसमें फिर भी कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। टेकोमा का जो प्लांट होता है इसको वेल ड्रेन सॉइल बहुत पसंद है। वेल ड्रेन सॉइल का मतलब कि जब आप उसमें पानी दें तो पानी उसमें खड़ा ना रहे, पानी धीरे धीरे जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर ले, और जो मिट्टी है वो सॉगी ना रहे। तो आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी पॉटिंग मिक्स के बारे में। टेकोमा क्योंकि एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसमें मैं सलाह देता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर, जो खाद होती है, वो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा वर्मिंग कंपोस्ट, और थोड़ा सा बोन मील भी इसमें डाल सकते हैं। बोन मील किस लिए डालने को कह रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, क्योंकि बोन मील एक ऑर्गेनिक फॉस्फोरस का सोर्स है, और फॉस्फोरस के जरिए ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस, जिसके थ्रू प्लांट फ्लावरिंग करता है। अगर आपके प्लांट में फॉस्फोरस की कमी होगी तो आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां ग्रो करता रहेगा। तो ये परफेक्ट पॉटिंग मिक्स है, जिसमें आप थोड़ी सी सैंड भी मिला सकते हैं, जिससे रूट को थोड़ी एरेशन मिल जाती है, जगह मिल जाती है ग्रो करने की, और प्लांट की ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये कंप्लीट पॉटिंग मिक्स है। इसको अगर आप थोड़ा और एनहांस करना चाहते हैं, कि अगर आपके पौधे में फंगस भी ना लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर भी मिला सकते हैं, एक दो चम्मच। तो वो फिर पूरा अच्छी तरीके से मिक्स करके आप ये अपने पसंद के गमले में प्लेस कर सकते हैं। मैंने तो ये पौधा 8 इंच के मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है, और ये नर्सरी से लेके आया था ये प्लांट में तकरीबन 30 रुपीज़ का, और लाके मैंने 8 इंच के मिट्टी के गमले में प्लेस करा हुआ है। उसी पॉटिंग मिक्स को मिक्स किया है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी सन, इसकी लोकेशन के बारे में। टेकोमा को एक बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक गर्मियों का प्लांट है, और इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है अच्छी तरह से ग्रोथ करने के लिए और अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करने के लिए। जो विंटर्स का सीजन होता है, मैंने पिछली वीडियो में एक बताया था, जो विंटर्स का सीजन होता है इसका डॉर्मेंट सीजन होता है, ये अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता, नई शूट डेवलपमेंट नहीं करता। अभी तो ये फिलहाल आप देख सकते हैं नई लीव्स भी डेवलप कर रहा है, और अभी कुछ टाइम में इसके फ्लावर भी बनेंगे। तो वो इसलिए क्योंकि अभी स्प्रिंग टाइम शुरू हुआ है, और इसका फ्लावरिंग सीजन, इसका जो एक्चुअल ग्रोथ सीजन है, जो गर्मियां हैं, वो अभी शुरू होने वाला है। तो काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि उनसे उनका जो टेकोमा प्लांट है वो विंटर्स में फ्लावरिंग क्यों नहीं कर रहा, ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा। तो विंटर्स में फ्रेंड काफ़ी सारे गर्मियों के पौधे ग्रोथ इसलिए नहीं करते क्योंकि विंटर सीजन उनके लिए डॉर्मेंसी का पीरियड होता है। डॉर्मेंसी मतलब वो रेस्ट में चले जाते हैं, और जब उनका ग्रोथ सीजन शुरू होता है वो फिर से ग्रोथ दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आप इसको ऐसी लोकेशन पे रखें जहाँ पे 4 से 5 घंटे की सीधी धूप आती है, और पानी आपने इसमें तब देना है जब 2 वाटरिंग्स में आपने ध्यान देना है कि इसकी जो टॉप सॉइल है वो सूख जाए। आप मिट्टी को अच्छे से सूखने दीजिए, तभी आप अच्छे तरीके से अपने पौधे में पानी दीजिए। अगर आप रोज़ इसमें बिना मतलब पानी देते रहेंगे जबकि पौधे को ज़रूरत भी नहीं है, तो उससे जड़ों में फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो मिट्टी है वो थोड़ी दलदली कर देंगे, और दलदली मिट्टी किसी भी पौधे को लगभग पसंद नहीं होती। तो आप इसको पानी तभी दीजिए जब इसको ज़रूरत हो। अब मैं इसकी फर्टिलाइजेशन की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावरिंग के लिए एक हैवी फर्टिलाइजर, एक हैवी फीडर फर्टिलाइजर चाहिए होता है, तो आप इसमें एक बैलेंस फर्टिलाइजर दे सकते हैं। मैं इसमें अपने पौधे में वर्मिंग कंपोस्ट और बोन मील ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे मिक्स करके डालता रहता हूँ, क्योंकि वो एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, तो वो 1 महीने या 2 महीने लग जाते हैं उसको पूरी तरह से कंज्यूम होने में। अगर आप एक फास्ट एक्टिंग फर्टिलाइजर देना चाहते हैं
तो फास्ट एक्टिंग फर्टिलाइजर्स होते हैं जो आप डाइल्यूट करके दे सकते हैं, जैसे कि एनपीके। एनपीके आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके, अच्छे से मिक्स करके हर 15 दिन में अपने इस पौधे को दे सकते हैं। एनपीके में क्या होता है फ्रेंड्स, एन का मतलब नाइट्रोजन होता है, पी का मतलब फॉस्फोरस होता है, और के का मतलब पोटेशियम होता है। तो वो आप अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने पौधे को दे दीजिए, वो भी एक कंप्लीट फर्टिलाइजर है आपके प्लांट के लिए। अगर आप वो नहीं देना चाहते तो एक लिक्विड सीवीड सॉल्यूशन आता है, वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, वो भी आप अपने पौधे को दे सकते हैं, जिसमें एनपीके के अलावा 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे को बाकी किसी खाद से नहीं मिल पाते। तो आप लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट भी दे सकते हैं। लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट के बारे में भी मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपने प्लांट में उसको यूज करना है। एक फॉस्फेट पाउडर आता है, फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस का एक पाउडर आता है, वो जो भी आप वो आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके मिक्स करके हर 15-20 दिन में अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। उससे जो है फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो ये हो गई फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन की बात। फर्टिलाइजेशन आपने ये ध्यान देना है कि आप इस पौधे को फ्लावर पाने के चक्कर में बहुत ज्यादा फर्टिलाइज ना कर दें, क्योंकि ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से भी जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो गल सकती हैं और प्लांट मर सकता है। पेस्ट्स की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, डिजीजेस की अगर बात करूं, तो इसमें कुछ खास डिजीजेस नहीं लगती। कभी कभी ऊपर मिलीबग्स का अटैक हो जाता है, तो जिन ब्रांचेस पे मिलीबग्स का अटैक होता है आप उन ब्रांचेस को ट्रिम कर दीजिए, तो वो जो अटैक है वो फैलेगा नहीं। फिर भी आप अगर दूसरे कीड़ों से अपने पौधे को बचाना चाहते हैं, तो एक नीम ऑयल का कॉन्सेंट्रेट आता है जो 1 ml 1 लीटर पानी में आप अच्छे से डाइल्यूट करके, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है तो उसको डाइल्यूट करना पड़ता है ताकि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें, तो आप उसको वो अच्छे से डाइल्यूट करके इस पे अपने पौधे पे या तो स्प्रे भी कर सकते हैं स्प्रे बॉटल में ऊपर से हर लीफ सारी लीव्स पे, या तो यहाँ साइड से अप्लाई भी कर सकते हैं। उससे आपके पौधे को किसी भी तरीके की बीमारी और पेस्ट का अटैक नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक केयर टिप्स हैं फ्रेंड्स जो आप अपने टेकोमा के प्लांट में फॉलो कर सकते हैं। इसमें जब फ्लावरिंग होगी तो उसका अपडेट भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर आप टेकोमा प्लांट ऑलरेडी उगा रहे हैं तो आपके कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हैं, ताकि बाकी व्यूअर्स भी उससे कुछ सीख सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।